नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सप्रेस स्पोर्ट्स। काफ़ी लंबे समय बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग के बारे में। जी हां, वीडियो शुरू होने से पहले जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे, मैंने कहा था IPL शुरू होने से पहले कि चेन्नई सुपर किंग IPL जीत सकती है। महेंद्र सिंह धोनी लीजेंड कप्तान है और 5 टाइटल, जी हाँ 10 बार वो फाइनल में पहुँचे हैं और 5 बार वो IPL का खिताब जीते हैं। और नहीं भूलना चाहिए कि CSK को 2 साल का बैन लगा था, इसकी वजह से वो IPL के 2 सीजन नहीं खेल पाए थे। और यहाँ पर लीजेंडरी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो प्लेयर उनकी फैक्ट्री में आता है, यहाँ पर से टेस्ट प्लेयर निकालो और यहाँ पर से T20 प्लेयर निकालो। जी हाँ, मैं NJK रहाने की बात कर रहा हूँ। टेस्ट फॉर्मेट टेस्ट टीम में वापसी की है उन्होंने, इस IPL के प्रदर्शन के आधार पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और यहाँ पर शुभमन गिल जैसे स्टार बल्लेबाज यहाँ पर भारतीय टीम को मिला है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ चेन्नई सुपर किंग की। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी कितने लेजेंडरी कप्तान हैं, आपने IPL में उनकी कप्तानी देख ली है। बल्ले से भी उनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, इस IPL में बहुत नीचे आ रहे थे, लेकिन जब भी उन्होंने बल्लेबाजी करी, लंबे लंबे छक्के लगाए, तो उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो भारत के सबसे नंबर 1 फिनिशर हैं और नंबर 1 कप्तान हैं। और IPL के 5 खिताब जीतना अपने आप में दर्शाता है। 5 खिताब तो मुंबई इंडियंस ने भी जीते, लेकिन उन्होंने 10 बार अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों धोनी ने जिस तरह से यहाँ पर कप्तानी करी है वो काबिल तारीफ है। रविंद्र जडेजा, जी हाँ रविंद्र जडेजा ने लास्ट के ओवर में 4 छक्का मारा और मैच CSK के नाम कर दिया। यहाँ पर मोहित शर्मा की भी तारीफ करनी होगी। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से बाहर थे, पहले CSK से खेलते थे, लेकिन इस IPL उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी करी वो काबिल तारीफ है। हालांकि वह टीम भी डिजर्व करती थी जीतता, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी टीम से उनकी लड़ाई थी जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी था, और महेंद्र सिंह धोनी जिस चीज़ पर हाथ रख देते हैं वो सोना होता है, और उन्होंने यह दिखा दिया। और यहाँ पर बात की जाए राशिद खान की, और यहाँ पर गुजरात टाइटन्स के बॉलिंग अटैक की नूर अहमद, और यहाँ पर काफ़ी युवा उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर उनके पास इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक थी, तो राहुल तिवेतिया जो काफ़ी अच्छी लेग स्पिन कराते थे उनको तक मौका नहीं मिला। हार्दिक पांड्या यहाँ पे बल्लेबाजी और बैटिंग भी नहीं कर पा रहे थे, और बल्लेबाजी उनकी इस IPL में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में शायद उन्होंने नहीं की है। और शायद टीम इंडिया के लिए वो करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला समय वर्ल्ड कप का है 50 ओवर के फॉर्मेट में, तो भारतीय टीम के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि हमको एक शुभमन गिल का जैसा स्टार बल्लेबाज मिल गया है। 3 शतक मारे हैं उन्होंने, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो चेन्नई सुपर किंग ने तो यह मैच, यह IPL ट्रॉफी जीत ली है, और महेंद्र सिंह धोनी ने एक उम्मीद और छोड़ दी है कि वो अगले सीजन भी खेलेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं फिट रहता हूं तो मैं अगला सीजन खेलूंगा, फैंस ने मुझे इतना प्यार दिया है और उनको एक और सीजन गिफ्ट देना मेरा फर्ज बनता है। तो दोस्तों आप क्या महेंद्र सिंह धोनी की इस फैसले से खुश हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी के लिए सही, उनके फैन से चेन्नई की जीत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, ऐसे ही वीडियो देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।